क्या होता है एक्सपेंशन पांच? देखो एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है, जिसका एक्सपेंशन का ऐसे नॉर्मल मीनिंग, इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए नहीं, नॉर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? मैम किसी चीज को बढ़ाना। हाँ, एक्सपांड करना, ठीक है। तो अपन आईएसओ क्वांट्स में क्या देख रहे थे? अपन कॉम्बिनेशन देख रहे थे। किसका कॉम्बिनेशन देख रहे थे? दो इनपुट का, यही देख रहे थे ना अपन, दो इनपुट का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, जो कि क्या करता है, सेम आउटपुट दे रहा था। यही था आईएसओ कर्व्स। देखो ये कुछ कॉम्बिनेशंस बने, फिर कुछ कॉम्बिनेशंस बने, ये ऐसे है कि नहीं? तो ये किसका था कॉम्बिनेशन? दो इनपुट, और इनपुट कौन कौन से थे, मतलब फैक्टर्स यूज कर रहे थे कौन सा? एक लेबर और एक कैपिटल, ठीक है। तो एक्सपेंशन पाथ का मतलब क्या है यहाँ पे? फर्म क्या करेगी, अपना आउटपुट बढ़ाने के लिए भी तो करती है। तो जैसे फर्म का आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, फर्म का आउटपुट, ये जो लेबर और कैपिटल है, ये क्या था? इनपुट था। और ये जब काम करते हैं तो जो गुड्स प्रोड्यूस होके बनता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट। तो फर्म क्या चाहती है कि ये आउटपुट इंक्रीज हो। तो अगर फर्म को आउटपुट इंक्रीज करना है तो अपने लेबर और कैपिटल भी उसको बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, अपने फिनेंशियल रिसोर्सेस को, फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उस समय जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलेंगे एक्सपेंशन पाथ। आ रहा है समझ में? उस समय जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विल बी used by the firm is indicated by expansion path। बस। तो जैसे ये क्वांट्स कर्व्स बन रहे थे, तो सपोज फर्म ने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिए। अब कॉम्बिनेशन क्यों चेंज किया? क्योंकि फर्म अब अपना आउटपुट बढ़ाना चाहती है। आउटपुट बढ़ाएगी तो पैसा लगाएगी, मतलब फिनेंस बढ़ाएगी, तो लेबर भी ज्यादा लगेगा, कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। तो कॉम्बिनेशन जो ये थे ये अब चेंज हो जाएंगे। तो उसको जो बढ़ा रही है फाइनेंशियल रिसोर्स और जो आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो उसको कॉम्बिनेशन जो हम शो कर रहे हैं उसको बोलेंगे एक्सपेंशन पाथ। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। हम नेक्स्ट जब यूनिट स्टार्ट करेंगे मार्केट, है ना, तो उस मार्केट टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे दो तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो इसमें पहला एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, थियोरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, बस इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू हम जल्दी जल्दी समझेंगे। कुछ चीजें समझा रही हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं रेवेन्यू से स्टार्ट कर रही हूँ। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू सुना है? इनकम। रेवेन्यू को अगर हम मैम इनकम, है ना, दूसरे वर्ड में एकदम शॉर्टकट में समझना है, कट टू कट, इट मींस क्या, इनकम। लेकिन रेवेन्यू अगर हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे, है ना, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में अगर मैं रेवेन्यू देख रही हूँ, तो वो क्या है, जो सेल हो रहा है गुड्स का, उस जो टोटल सेल हो रहा है, द सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स इज नोन एज रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो तो रेवेन्यू को भी हम थ्री पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूं, क्लासिफाई करती हूं, तो थ्री पार्ट्स में करूंगी। एक हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, ये आगे के टॉपिक, मतलब आगे के दोनों दोनों यूनिट समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। टोटल रेवेन्यू करना है, एवरेज रेवेन्यू, और एक है मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाता है?
क्वांटिटी इनटू प्राइस, हुआ कि नहीं? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? ग्रॉस रेवेन्यू, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट अ फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट. ठीक है, तो जो टोटल मनी फर्म रिसीव कर रही है प्रोडक्ट के सेल होने से, वो कहलाती है अपनी टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू को ग्रॉस रेवेन्यू भी बोलते हैं. अब देखो फॉर्मूला देखो आप लोग. तो क्यू क्या है अपना? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक. पी क्या है? क्या होता है पी? प्राइस. आ रहा है समझ में? पी क्या है अपना? प्राइस. और इस प्राइस को कभी कभी एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अगर एग्जाम में दे तो क्या करना? टी आर इज इक्वल टू समीशन प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये लिखा तो है, क्यू इंटू पी. नेक्स्ट देखो, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को अगर हम डिवाइड करें, ये जो टोटल रेवेन्यू है अगर इसको मैं डिवाइड करूं क्यू से, तो आता है एवरेज रेवेन्यू. तो इट मींस ये एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ? एक तरीके से पी हुआ ये वाला. अगर इस फॉर्मूले में देखो टी आर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी लिखा है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी टी आर अपॉन क्यू, तो वो क्या आ जाएगा? पी हो जाएगा. और यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है? टी आर अपॉन क्यू. तो एवरेज रेवेन्यू ही क्या है? प्राइस. आ रहा है समझ में? यस मैम. बताओ किसी को डाउट है तुरंत पूछो. अब देखो एक मीनिंग समझो इसमें. देखो कौन सा वाला फिर से समझना है बेटा, टोटल रेवेन्यू की एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू, ठीक है. देखो ये देखो टोटल रेवेन्यू लिख रही हूं मैं. तो एक फर्म की जो ओवरऑल सेल्स होती है और उस सेल्स करने से जो पैसा मिलता है प्राइस मनी, वो कहलाती है टोटल रेवेन्यू. सबसे सिंपल, अगर एक फर्म शू बेचने का काम करती है तो एक साल में, एक ईयर में, या एक महीने में देख लिया जाए, या क्वार्टरली देख लें या वीकली देख लें, तो जितने का भी उसने शू बेचा, सपोज उसका एक शू का सेलिंग प्राइस था 500 रुपए और उसने 1000 शूज बेचे हैं, तो कितना आया पैसा उस फर्म को उस समय उसको बेचने से? 5 लाख. तो ये पूरा का पूरा 5 लाख हो जाएगा टोटल रेवेन्यू. और इस टोटल रेवेन्यू को बोलते हैं ग्रॉस रेवेन्यू. तो सेल करने से जो पैसा आ रहा है, कॉस्ट नहीं जोड़ रहे बेटा, याद रखना सेल, बेच रहे हैं, तो जितने का बेच रहे हैं उसको बेचने से जो पैसा मिलता है वो कहलाता है टोटल रेवेन्यू. और टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्यू इंटू पी. या ए आर इंटू क्यू, एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी. क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो,
तो एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा, और किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकाला जाता है, जो टोटल रेवेन्यू था अगर मैं उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाता है, एवरेज आता है। तो वही देखो, एवरेज आया ना, ये फॉर्मूला देखो फर्स्ट वाले का, ये वाले को लिख लेते हैं अपन। जब लिखा है टी आर इज इक्वल टू ए आर इंटू क्यू, तो ए आर अगर मेरे को निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा किसके फॉर्म में, डिवाइड में। तो ए आर क्या होता है, टी आर अपॉन क्यू। नेक्स्ट देखो, मार्जिनल रेवेन्यू देखो, तो एवरेज रेवेन्यू एक तरीके से क्या है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है ना। ठीक, जैसे टोटल रेवेन्यू मैंने बोला था कि एक शू का प्राइस है, वन शू प्राइस कितना बोला 500, और फर्म ने कितने शूज सेल किए 1000, तो ये कितना आया उसका, ₹5 लाख। यानी जो एक शू की प्राइस है वो कितनी है, 500। तो यही 500 जो एक शू की प्राइस है वही क्या कहला रही है यहाँ पे, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज है ना, और वही क्या है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट इसमें समझो, मार्जिनल रेवेन्यू, एम आर, वो क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को मार्जिनल प्रोडक्ट बताया था और यूनिट 2 में प्रोडक्शन फंक्शन में, मार्जिनल क्या होता है, किसी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने से, है ना, वन एक्स्ट्रा यूनिट जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कमोडिटी को ऐड करने से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं अपन कितने गुड्स सेल कर रहे थे, 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, 500 तो प्राइस ही है मेरा, लेकिन अब मैं 1001 बेच रही हूँ, तो कितना होएगा अमाउंट, 5,500 रुपये। तो पहले मैं कितने यूनिट सेल कर रही थी, 1000 यूनिट्स, अब मैं कितना सेल कर रही हूँ, 1001 यूनिट्स। तो ये जो एक यूनिट बढ़ा, उस एक यूनिट की वजह से रिवेन्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, उस एक यूनिट, एक ही यूनिट ऐड करेंगे हमेशा याद रखना, उस एक यूनिट को ऐड करने से रिवेन्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कहलाएगी अपनी मार्जिनल रिवेन्यू। आ रहा है समझ में, किसी को डाउट है। बताओ नवीन, हनी, प्रशांत, योगिता, अपर्णा, बेटा बताओ, नो मैम, मार्जिनल में कहीं डाउट है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, ये वर्ड्स अब पूरे लास्ट तक यूज होने वाले हैं। बताओ कहीं डाउट किसी को, तो फॉर्मूला क्या हो गया मार्जिनल रिवेन्यू नो का, मैम, चेंज इन टोटल क्वांटिटी नहीं, इसका नहीं, अपन दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, रुको, जो आप लोगों के लिए इजी होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ एन माइनस वन यूनिट्स। ये देखो, एन एन का मतलब है यहाँ पे
जैसे मैंने पुराना एग्जाम्पल दिया था 1001, और इसके पहले तक कितना था, ये 1000 यूनिट्स तक था, तो एन है समझो 1001, तो टोटल रिवेन्यू एन यूनिट्स की मैंने उस समय कितनी बताई थी, इंटू 500 के हिसाब से 5 लाख, और 1001 यूनिट का 500 के हिसाब से बताया था 5,500, तो एन यूनिट है अपना 1001 यूनिट, तो टोटल रिवेन्यू एन यूनिट्स का, तो एन रिवेन्यू का, एन यूनिट का टोटल रिवेन्यू है 5,500 माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ एन माइनस वन, तो 1001 एन है, तो एन माइनस वन कितना हुआ 1001 में से, जब एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स की रिवेन्यू कितनी हो गई 5,00,000। ये फॉर्मूला ऐसे ही बनेगा है ना, तो कितना बना ये 500 रुपए। तो वही मैंने बताया था कि एक यूनिट को बढ़ाने से जितना इंक्रीज हो रहा है रिवेन्यू में, तो अगर हम फॉर्मूले से नहीं भी देखते तो हम डायरेक्ट कंपेयर करते कि 1000 यूनिट्स का 5,00,000 मिल रहा है, तो 1000 एक यूनिट्स का कितना मिल रहा है 5,00,500। तो ये अगर फॉर्मूले में जाएंगे तो ऐसे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो ऐसे ही देखना कि एक यूनिट बढ़ाने से कितनी इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब इसको एक चीज और भी बोलते हैं, जब कहीं पे आप लोगों को अपनी बुक में इकोनॉमिक्स में एक चीज याद रखना, ये वाला वर्ड दिखे डेल है ना, ये डेल का साइन दिखे, इट मीन्स हम चेंज की बात कर रहे हैं, तो अगर कहीं पे आपको दिखे टी आर, इट मीन्स व्हाट चेंज इन टोटल रिवेन्यू मेंशन कर रहा है, और डेल क्यू दिखे तो चेंज इन टोटल क्वांटिटी। तो एम आर का एक और फॉर्मूला होता है डेल टी आर अपॉन डेल क्यू, तो देखो डेल मीन चेंज इन टोटल रिवेन्यू, तो कितने का चेंज हुआ है टोटल रिवेन्यू में, देखो ये 1000 यूनिट्स का 5,00,000 और 1001 का 5,00,500, तो कितना चेंज हुआ है, देखो ये 500 का चेंज हुआ है सिर्फ, तो देखो डेल टी आर में कितना आएगा 500, देखो और यूनिट्स का कितना चेंज हुआ है एक यूनिट का, तो इसको इसे डिवाइड किया एक, तो कितना आया 500, तो इस फॉर्मूले से भी देखो 500 आ रहा है, इस फॉर्मूले से भी 500। क्लियर है सबको, सपोज यहां लिख रहे हैं अपन यूनिट्स ऑफ आउटपुट, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू, ये हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू। तो जब यूनिट ऑफ आउटपुट 1 है तो टोटल रिवेन्यू 100 है, तो एवरेज कैसे निकलेगा बेटा, टोटल रिवेन्यू को आउटपुट से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है ना, एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या लिखवाई थी, टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, तो आउटपुट ही क्या है अपना क्वांटिटी है, याद आ रहा है फॉर्मूला? यस मैम। अपन ए आर यहाँ करते हैं और एम आर यहाँ करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, ये हो गया 100, सपोज अगर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 8 तक दिखते हैं, अब देखो सपोज 2 कर रहे हैं तो 180 यूनिट हो रहा है, 3 में कर रहे हैं तो 240, 4 में हो गया 280, इसमें हो गया 300, इसमें भी समझो 300 ही आ रहा है, इसमें आ रहा है फिर कम होते जा रहा है 280, ये हो रहा है 240, ये कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लग रहा है इसमें, लेकिन वो प्रोडक्शन से रिलेटेड था, तो वो रिटर्न में मतलब उसमें सिर्फ कॉस्ट लग रही थी, इसमें हम इनकम जनरेट कर रहे हैं रिवेन्यू, उसमें कॉस्ट थी ना, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट,
देखो इसमें, तो ये कितना हुआ, 180 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 90, ये हो जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा देखो 70, डिवाइड करते चलो 60, फिर ये हो जाएगा 50, ये देखो इसको डिवाइड करो ये हो रहा है 40, और ये कितना आ रहा है 30। ये डिवाइड करना आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम, है ना। हमने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किया था वो कॉस्ट के रिगार्डिंग किया था उस समय, ठीक है, कि कितनी कॉस्ट लग रही है, कि फर्म को कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, तो उस समय कॉस्ट की बात हो रही थी। अभी किसकी बात हो रही है, रिवेन्यू की, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस है फर्म की, और एवरेज रिवेन्यू कितनी है ये, तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है, एक में कितना इंक्रीज होता है। देखो अब 100 के टाइम पे तो 100 ही है क्योंकि कुछ था ही नहीं, अब देखो कितना बढ़ा 80, फिर देखो कितना बढ़ रहा है 240 में से 80 है तो 60, फिर 280 में से ये हो गया 40, ये हो गया 20, देखो ये 0, फिर ये -20 और ये -40, आ रहे समझ में? मैम वो एमआर को कैसे निकाले एक बार फिर से बताना, तो किससे किससे माइनस किए हो? फॉर्मूला बताओ मैंने क्या लिखा है एमआर का बेटा। क्या था फॉर्मूला लिखवाया था बताओ? अभी लिखवाया था ना, टोटल रिवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स माइनस माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ एन माइनस माइनस वन यूनिट्स। तो देखो अगर अपन इसका निकाल रहे हैं तो दो, ये दो अगर सेकंड का निकालेंगे तो ये एन हो गया, तो टोटल रिवेन्यू कितना है 180 सेकंड का, और n माइनस वन क्या हो गया, दो में से माइनस वन करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 1, तो ये रहा 1, 1 का कितना है 100, तो 180 में से 100 गया तो कितना आएगा 80। सेम वही अगर हम थर्ड का निकालेंगे, थर्ड वाले का, तो n क्या हो गया अब 3, तो टोटल रिवेन्यू ऑफ n क्या है 240 माइनस n माइनस वन क्या हो जाएगा 3 माइनस वन करेंगे तो 2, तो ये देखो ये 2 वाले का कितना था 180, तो 240 में से 180 है तो कितना आया 60, आया समझ में? यस मैम। और क्यों आप लोग भूल गए, मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट निकलवाया था आप लोगों से लास्ट टाइम में, तो कैसे निकलवाया था, टोटल प्रोडक्ट मेले में से पुराने वाले को माइनस करना, बताई नहीं थी मैंने आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के टाइम पे, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना भूल जाते हो ना तुम लोग। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस मैम। कि नहीं याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बात खत्म, झूठ नहीं बोलना। देखो अगर हम इसको अब फिल करेंगे डायग्राम को, तो अगर ये 0 है ना, ये हो गया यूनिट ऑफ आउटपुट, और यहाँ पे हो गया पूरा का पूरा रिवेन्यू, तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 8 तक बनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 तक हो जाएगा, और यहाँ पे बनाओ जल्दी जल्दी, ये 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो देखो टोटल प्रोडक्ट एक में कितना है 100, ये फर्स्ट, इसमें कितना है ये 100, सेकंड में कितना है 180, तो ये यहां तक आएगा 180, है ना। देखो अभी मैं सिर्फ टोटल प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ, ये वाला टोटल रिवेन्यू बस कर रही हूँ। 3 में कितना है 240, तो ये देखो ये 3
तीन में कितना हो गया ये 240, फिर चार में देखो कितना करने बोला है 280, ये इधर पांच में कितना कर रहा है 300, ये देखो इधर आ गई मैं 300 में, छह में भी कितना कर रहा है 300, सात में कितना है देखो 280 यहाँ पे आया, और आठ में कितना कर रहा है 240 इधर, देखो ये यहां से ऐसे जुड़ेगा, ये देखो सेम वैसे ही वाला बन रहा है कि नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जैसे। समझ में आया?